is, I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. अस्सलाम वालेकुम। तो मरियम की जिंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और प्यारे प्यार। उम्मीद करती रहूंगी आप लोग अच्छे अच्छे नहीं बहुत अच्छे रहेंगे, और मैं भी अच्छी नहीं बहुत अच्छी हूँ। तो देखो आखिर मैं आम लगा रही हूँ, और माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि मैंने गोदाम खोली हूँ आम का। जब से आम आएंगे रोज आम लगाते रहती हूँ और पकाते रहती हूँ, सबको बांटते रहती। खाना कम है बांटना ज्यादा है हमारे घर में। बहुत से बहुत चार आम कटते रहेंगे, अगर रोज भी नहीं कटते एक दिन आड़ दो दिन आड़ ऐसा। तो मैं तो बीमार हूँ, जैसे आम का हाथ ही नहीं लगती है ना। तो ए सईदा गुरु की क्या देख रही है? हाँ देखो सईदा छिल जाती है आम, हम दिखाते ना लगे आम खाए दिखा के खाए और दवाखाना पहुँचे। हाँ तो अभी फिर आम आए जाए तो समझ ले कल दो मन आम लेके आए, मतलब 20 किलो आम लेके आए ले। अभी आम लगा रही हूँ, अभी ये आम लगा के रखी हूँ। देखो माशाल्लाह इतने पक गए ये, और अभी इतने अलग रखी हूँ जन को देने के लिए रखी हूँ ये आम। अब ये लगा रही हूँ और अच्छे से मस्त पक जाए दुआएं आप लोग की। और ये सही आप लोग भरकते फूलते आम हम सब दिखाते रहते तो बीमार पड़ते रहते। अभी तुम लोग सब चीज दिखाते, कोई चीज छुपी तो है नहीं है क्या? हाँ गुड़म्बा किसको आता नहीं अच्छा, मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती है गुड़म्बा। मेरी माँ को बेचारी बीमारी लंबी लंबी कैरी का बना लेगा ना मशा लंबी लंबी। कैरी कुछ खराब होती है इसीलिए मैं किसी को जमाने नहीं देती। मेरे इधर आम आएंगे तो सब बोलते हम लोग जमाते, कल से नूरी भी बोली मगर मैंने नहीं जमाने क्योंकि मैं अपने हंसी ये सब नाजुक चीज़ों के काम करती हूँ, मसाला पिसाना ये सब, क्योंकि ये सब नाजुक चीज़ रहती है जिसके हाथों से खराब हो जाता है। माशाल्लाह अभी तक जब से आम आए मैंने 100 किलो आम पका डाली, बस 5 किलो भी खाए नहीं रह गए, बस बाकी रे आम पक रहे इधर भेज उधर भेज। और मुझे बांटने में अल्लाह का करने में बहुत खुशी होती है। आम वाले लोग मुझे काम पे रख सकते हैं, पैकिंग में अच्छी करती हूँ समझे। अब इसके तो मैं कुछ रखूंगी, अब इसके कोना मेरा आम का ही है, ये इधर आया है। अब इसके अंदर में ये दूसरे आम रखती हूँ, शाम को मुझे लगना आएगा तो भिजाना है आम। अभी तो मैं पके ऊपर रखती हूँ, अच्छे में अच्छे रखती हूँ। अगर मैं शाम में पके आम निकालो खाने के लिए, उन लोगों को इतनी मस्ती है कि आम इतने बड़े बड़े आम माशाल्लाह। इसमें भी आम तो खाते नहीं घर में बच्चे। मेरा मुझे तो कितना और ऐसे चालू है फिर भी ये दूसरा वाला बॉक्स है, मुझे भेजना है शाम को आधे आम। मेरे संगी ने भी बेचारा लाया आम, अब 1 तारीख को तो लोग और आम निकले हुए, लोग गाड़ी का बुक कराते आम, वो 1 तारीख को निकलने वाले। तो कल आते आते वहाँ से लेके आए, जब पूरा मंडप लगता है रस्तों पे खरीद के, अभी वहाँ से वाड़ी से भी खरीदते हैं ना लोग, तो 1 तारीख का सर टाइम लेता ना पूरा 1 तारीख को निकलेगा। मुझे डॉक्टर बोल रहा था जब मैं दवाखाने में थी तो आए दूसरे दिन डॉक्टर कट्टा, बोले मरियम मैंने गुजरात में भेजा आम लेने तो आम पूरे खलास हो गए उधर। बोले मरियम शेख ने पूरा आम लेके चले गए। दोस्त का मतलब मेरे भाई का बर्थडे था, शादी की सालगिरह, मैंने विश कर ले फोन की
फिर भाई बोलने लगे भाभी क्या तबियत का ध्यान रख। बोले हाँ, बोले आम आम, बोले आम तो पूरे खलास हो गए क्या। हाय भाभी सब आम के लिए टोकरी बाबा, आम 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 करके आम खाई तो ज़्यादा बीमार हो गई। तो अभी देखे दोनों हो गए ना, अभी मैं इसको हल्का सा सेलो टेप लगाती हूँ ना लाइट की वजह से। सेलो टेप रहेगा जो मिला इतना इसलिए कच्चे आम है ना, जितना इसमें गर्मा से लेगी ना उतना जल्दी अच्छे पकेंगे और अच्छे तरीके से पकेंगे। बहुत काम है मेरे पीड़ों को ना, कितना ये सब पसारा पसारा जिनको सबको बताना है। अल्लाह हाँ ऐसे टेम्पर कैसे बनता है। हाँ पापा, मैं तो खुद अपने आपको पापा बोलता है हमारा ये पापा। पापा ने अभी तू जवान हो गया, जल्दी से जाएगा तू अभी। नूरी को बदमाशी पड़ गया, अरे तू जवान हो गया। जवान हो गया ना भैया, माशाल्लाह पट्टा आ रहा है उसको। हाँ एक खुशखबरी, मेरे मिट्टू को ना काला पट्टा आ रहा है। तुम्हारे बाबा उधर से तू छोटा कैसे में लगा रही। चलो फिर भी काम अभी दूसरा पानी। तो ये मेरे परवीन भाई ने मुझे एक साल हो गया, डेढ़ साल हो गया नूरी दिवाली में मिली थी। हाँ ये एक साल से ज्यादा हुआ मुझे बैग गिफ्ट करे थे, मैंने खोली भी नहीं। आज इसकी पैकिंग खोली, आज इसका बॉक्स निकाली हूँ। ये देखो परवीन भाई ने बेच के मुझे दिए थे ये, और उसके अंदर कितने बैग है मैं देखती हूँ। बैग तो माशाल्लाह इतने सारे थे तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी, तो अब मैं खोलती हूँ। तीन का सेट, अच्छा तीन का सेट तो पूरा। और ये परवीन भाई दिए थे हमारे सुनार बाबा, बड़े बड़े गिफ्ट है कि वो छोटा आदमी है, आज का बड़ा बड़ा देना ना गिफ्ट जो उसके हिस्से थे वो हिसाब से देते गिफ्ट। दो का तो तीन दो है रखते मेरे, तो माशाल्लाह जी कितने प्यारे बैग दिए उन्होंने। और काफ़ी टाइम लगा था तो मैंने आज खोली उसको, दो पता है मैं यहाँ वहाँ घर जाके रखी हूँ तो वो हिसाब से मुझे भेजे थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बैग है, कभी मैं अजमेर जाऊँगी तो ये परवीन भाई का बैग लेके जाऊँगी। अल्लाह का परवीन भाई की कमाई में इतनी बरकत दे, कितनी पाक जगह पर जाएगा उनका बैग। परवीन भाई वैसे बैग घर भर के अल्लाह का पैसे दे, परवीन भाई को रखने की जगह नहीं रहे लेकिन उसके लिए डालेंगी मेरी सब सब करके। अच्छा ब्रांडेड बैग है। हाँ अरे क्या गर्म हो रहा है, मेरा बच्चा पानी तो बैग आया था परवीन भाई की तरफ से, कभी मैं इसमें कपड़ा रखती है ना लेके जाऊँगी। ये उठा देना उसकी ना नीचे, बहुत प्यारा बैग है और कलर भी देखना रेड कलर है। अच्छा है ना कलर, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कैसा लगा बैग, और ब्लॉग भी बहुत अच्छा है इसका। अभी हो रही थी इसके में बैठ जाती थी ना। हाँ ये तो थैली में डाल के ना इसको इसमें डाल के रख देना ना अभी, अभी इतना बड़ा तो काम नहीं आएगा, तो बड़ी फैमिली का जाएगी तो काम आएगा। तो समीरों में ज़्यादा दिन के लिए अभी एयरपोर्ट पे क्या करूँगी लगता है, ये भारी बैग लेते तो फेंकते है ना। हाँ। पहले रैप करा देने का, 300 रुपया लेते
आने का तुम अनाथ ने कौन छुपा के रखी और मैं निकाल रही, देखो अच्छे से हाँ अच्छे से ही करती बेटा, तेरे इसमें रखी हाँ। और बोलो चलो खाना लेके आएगा आता, उसकी क्या बात करने का कर लो जरा। तो आज मैं फाइनल जा रही हूँ पार्लर में, और जा रही हूँ मैं सोनिया के पार्लर में, क्या नाम है पार्लर का क्या, एफ जी पार्लर में जा रही हूँ जो गोरेगांव में है। वो दिन से मुझे जाना था तो सुनने हमेशा बोलते थे आना आना, तो आज उनके पार्लर में मैं विजिट करने आ रही हूँ। तो देखते आ रही हूँ कि पार्लर में क्या क्या मेरा चेंज होता है, तो अभी मैं निकलूँगी। और आया मिठाई लेके आया मुझे वहाँ जाना, जब हम घर खा लिया तो जाने सकती ना, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो आया से मैंने आज पहली बार मिठाई उठाई मंगाई, आया मेरा बड़ा हो गया ना, थोड़ा सामान लेके आने आना हो गया है, मैं ऐसे रखूँगी लेके आया। हाँ देखी ना बाबा तेरे से बढ़ती है 500 रुपया, हाँ कभी क्या करने का बताओ, कितना पैसा दे रही है मैं रोज का, तो 500 रुपया लगेगा रोज का, 500 रुपया पैसा लेकिन अभी 400 रुपया जेब में तेरे है कल, हाँ कल है कल दिए थे हाँ कभी है हाँ। तो अभी कितना मैं 500 रुपये क्या करेगा, साइकिल कितना देगा 900 रुपया, साइकिल का 900 क्यों ले रहा, गाड़ी बनाने दिया तूने पूरा, साइकिल तुम देखे नहीं मेरी साइकिल, तुम कितना 2 साल से चलाया नहीं मैं साइकिल, क्यों नहीं चला करती महंगी महंगी साइकिल लेके आए तरह, अपन 6 महीना पे रहते हैं, 6 महीना साइकिल चला लेने का ना, 2 महीना थे फिर मुँह खोली तुमने, अभी अम्मी ने अंदर समझाया ना तेरे को, थैली क्या तुम्हें लाया ऐसे, आपकी वो बॉक्स और हमेशा देता है चिपड़ा थैली में देना नहीं बोला, भैया थैली ये सब चार करना नहीं बोला, कौन सी थैली में देना, आपका बॉक्स वाली देता ना हमेशा जिसमें कई बार मैं थैली में से लाती हूँ, हाँ गिफ्ट की झमेला लगा ना दिखा एक बार चलेगी, तू खूबसूरत है ना, हाँ चलेगी तो मेरे को मालूम है, वो ना उसमें डाल दे और ये कपड़ा डाल दे मेरी ड्रेस की उसके, सलाम वालेकुम हाउ आर यू, कैसा बोलता है सिस्टर का क्या क्या अरबी में बात, थोड़ा बहुत अच्छा लगता सलाम वालेकुम सिस्टर हाउ आर यू वेरी इज योर रिजाम, खाना खाऊंगी ऐसे तो मैंने हिजाब पहन के खाना खाऊंगी, हिजाब पहन के नाश्ता करूंगी, हिजाब पहन के आगे पहन बोला अरबी औरत ही करना चाहिए सऊदी दुबई की, देखना पड़ेगा अभी मेरी बहुत दोस्तों कौन अनु आना पड़ेगा, अंदर चला गया सऊदी दुबई की बाबाजी, क्यों मेरा बेटा बोलता है वेयर आर यू हिजाब, तो मैं पहन रही हूँ हिजाब और मैं कल से क्या करूँगी हिजाब पहन के ना, खाना 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 बनाना तेरे को, यू गो टू द किचन, गो गो टू द किचन, टेबल से यू गो टू टू यू गो टू द डाइनिंग टेबल, वो बेटे ने बोला तो भाई हिजाब पहनना जब भी जरूरी है ना, बेटे का हुक्म आदमी का हुक्म मानना चाहिए ना, जब ऐसी खुशबू आती है ना ऐसा लगता है कि मैं सऊदी से अभी आई क्या खुशबू, वो मैं क्या बोल रही थी हाँ अम्मी अलग अलग खेल ना अम्मी वेरी अनाप ब्रीकिंग वेरी डेंजरस, नहीं वो सिल्वर गोल्डन वाली मुझे खेली है, डैडी लड़की थोड़ी ना है, कौन बोला तू लड़की है, फूल का खाली गैलरी साफ कर देना बंद करना।
तो फाइनली मैं जा रही हूँ और मेरी लिफ्ट भी आ रही है आपका ब्लॉग बनाने से। नीचे ना नीचे ना नीचे बुरका उल्टा तो नहीं बने ना उल्टा बने अरे ओ ऐसा ही इतना बड़ा है ऐसा ही है वो अरबी बुलका है कैसे धक्का दे रही तुमको बहुत मस्ती चल रही है धक्का दिया देखे नहीं तुमने क्या मैंने नहाई और वाले ऐसे ही बानी हूँ ना कंगा ना कुछ करी हूँ तो यार क्योंकि गिल्ले वाले और अभी हम लोग आठ भाई 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 नीचे जा रहे नीचे चल रहे ना तो अभी हम लोग जा रहे हैं और गाड़ी तो है ही नहीं तो आयु भी मेरे साथ में मुझे रिक्शे में बिठाने आ रहे है गाड़ी नहीं बेटा निकालने कुछ नहीं लड़की ये फलक है फलक 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 तक रिक्शा मिलना चाहिए दुख का टाइम है जो रिक्शा ले पे भी सोते इतनी धूप है ना क्या हर कोई सोचता है कि दोपहर में आराम कर रहे ना लेकिन परी ने भी कल लंबा वाला सुविधा का पहनी मैंने भी लंबा वाला पहनी हूँ तो मुझे भी ऐसे पतले पतले कान के बहुत ज्यादा पसंद है अभी मैं जा रही हूँ नीचे उतर के आगे कर बहरा तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं सोनिया के पार्लर पे तो अभी ये बताएगी पलक जाके बाहर से वीडियो लेगी पार्लर का नाम हम आपको बताएगी तो नई जगह में आती तो थोड़ी कंफ्यूज होती और कैसे हो अस्सलाम थैंक यू बैठे अभी पानी वानी पियेंगे पानी में कौन सा रिश्ती क्रोशन का पार्लर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है इनका माशाल्लाह पार्लर भी बहुत प्यारा है हम लोग अपनी में आए थे बहुत जबरदस्त पार्लर है तो मैं आई तो सोनिया को बताई हूँ सरप्राइज है ये नेल आर्ट का है पूरा इनका बहुत बड़ा सेक्शन है इसका भी अस्सलाम वालेकुम सलाम ये देखो सोनिया आई है ले पकड़ ब्लॉक लेगा हाथ में मुझे पता नहीं एक बार रात में हम लोग तो नहीं लेते थे रात में बोले गाँव में लेते तो दिन में वो आए तो समझ में आ गया थे पानी वगैरह हाँ आ गया पानी तो अच्छी और तीन चलेंगे आते थे मतलब मैं तुम पाल लेते हो गया रिलैक्स मिला मुझे फेशियल में बता नहीं सकती आप लोगों को और अभी आपका नाम क्या है नहीं 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 अभी मेरा प्रेशर निकाल है कितने मेरे अंदर से बाल को वाइट हो गए तो इसलिए
बताती क्या करना है, कराऊंगी सब बताऊंगी आपको। और फेशियल से चेहरा माशाल्लाह इतना निखर गया है, बाकी सबको कराने का भी तो बाकी है, तो उसके देखो चेहरा और कितना निखरेगा। तो आप लोगों को सुनिया जी तो तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता ही नहीं कि उनका तो मैं हर वीडियो को लाइक भी करता हूँ, मेरे आई डी जाकर देख सकते हो, क्या उनकी नंबर को बताने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा दूर से देख के लाइक करती हूँ, फाइनली उनके पार्लर में आ चुकी हूँ और इतना अच्छा लगा कि मैंने फिर मुझे फेशियल करी और इतना रिलैक्स हो गया। तो मैं 2 मिनट के लिए तो सो गई थी, 2 मिनट 20-25 मिनट के लिए सो गई, तो मुझे लग रहा मैं घर में हूँ और खाप देखने के लिए समझी नहीं मेरा खाप देखने के बाद में आता है कि पाल नहीं गई सही में मैं खाप देख रही थी, मैं घर में खुल करके जब मैं 2 मिनट आते हैं तो पाल नहीं होती। इतना मुझे रिलैक्स मिला फेशियल से, सब बहुत रिलैक्स बहुत अच्छा लगा। पर ये सोने वाले तो अभी मेरा मैनीकर पेटीकर चालू है, ये आप लोग देख सकते हो। कौन सा वाला मैनीकर पेटीकर कर रहे हो सोनिया? बबल्स का मैं तो नहीं करा रही थी, मगर सोनिया बोली बहुत अच्छा लगेगा, क्या पैर में रिलैक्स मिलेगा थोड़ा मैनीकर पेटीकर कराएंगे तो। वो मैं भी करा रही हूँ, देखो कलर भी कितना अच्छा पिंक पिंक आ रहा है। और बैठी हूँ मैं, सब जगह काम धाम चालू है, अल्लाह पाक इनके बिल्कुल पार्लर में ऐसी बरकत दे, करवट बिगाड़ी चाहे लोग सब दिन भर मेहनत करते। पार्लर का लोकेशन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मेन रोड के ऊपर ही है, सब गाड़ियाँ चल रही हैं एकदम मेन रोड पे, गोरेगांव के एकदम मेन रोड पे, कहाँ जाना नहीं अब तक, कहाँ आना नहीं, बस गाड़ी है रिक्शा है सामने लगाने का, अंदर मीटर करने का, एकदम प्यारा लोकेशन। मिलीकर फिकर भी करते रहो, बाहर देखते रहो, मस्त टाइम पास भी हो जाता है उतने टाइम में, वो भी हो जाता है एकदम प्यारा। ये देख सकते हो आप पार्लर का नाम भी यहाँ से देख सकते हो, ये ड्राइवरी नाम लिखा हुआ है। और आप लोग अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बोले तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इनका वीडियो देखती थी मगर मुझे आने को होता नहीं था। और इधर देखो सोनिया बैठी है और बहुत नेचर की, बहुत शांत है, ना ज़्यादा बात ना ज़्यादा कुछ, अपने काम से काम, नेचर भी इनका बहुत मेरे को अच्छा लगा, सॉफ्ट, अपना कस्टमर भी आता, अपना काम से काम, ज़्यादा बात नहीं कुछ नहीं, और ऐसा ही होना चाहिए। और बेचारी बहुत बोले तो एकदम इनके चेहरे पे ऐसा भोलापन है, ऐसी दिल की भी भूली है एकदम। और इनके स्टाफ भी ओहो देखो ये तो इधर खड़े रहते एकदम, हंसते भी नहीं एकदम, बॉडी गार्ड पिक्चर में कैसे थे वैसे ये फर्स्ट वाले, बाकी सब हंसमु क्या ये तो बहुत हंसती है क्या नाम तुम्हारा? सभा। सभा मैं ना भूल बहुत जल्दी जाती है, मेरी मेमोरी थोड़ी, मैं बोले ना थोड़ी वो यहाँ क्या बीक के, लेकिन घड़ी घड़ी नाम बताना पड़ेगा बहन ये रिंग लाइट चालू तो दिख नहीं रहा है। और ये देखो ये भी बहुत अच्छे है, इन्होंने बैच को इतना प्यारा मुझे किया, अभी मैनीकर पेटीकर कर रहे हैं। और क्या बोले तुम, मेरे शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करने का ना, जल्दी देखो ऊपर, हाँ हम लोग शादी करके मतलब फंस गए ले सब, है ना। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं सोनिया के पार्लर पे आई थी और माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि आज मैंने कोरियन ग्लास फेशियल किया, इतना प्यारा फेशियल था कि आप लोग देख सकते हैं ग्लोई चेहरे पे। और ये भी मैंने आईब्रो पे क्या किया, माइक्रोब्लेडिंग किया, और ये तो आप लोगों को पता है मेरा ब्यूटी स्पॉट, तो आप लोगों को पता ही है वैक्सीन। और मैनीकर पेटीकर भी देखो कितना प्यारा की सोनिया ने, जबरदस्ती बोली कि पैर में तुम्हारे रिलैक्स मिलेगा, पैर में दर्द था बीमार थी, मैं जो बच्ची ने वो ख्याल रखिए। और इतना अच्छा लगा काम तो माशाल्लाह, मतलब इसके नो डाउट इतना रिलैक्स मिला, मैं तो इतना मस्त सो गई थी कि बता नहीं सकती हूँ। और सोनिया का तो नेचर आप लोगों को सबकी पता है, तारीफ करने की जरूरत ही नहीं, बहुत साइलेंस है। और बोलते ना इतना अच्छा लगा मुझे इधर आके, और इनका स्टाफ भी माशाल्लाह इतना प्यारा है कि पूछो मत करके। और मैं इंशाल्लाह जरा वापस से फिर आऊंगी इनके पार्लर पे, जल्दी आऊंगी, ऐसा नहीं मतलब पार्लर के काम से नहीं आना, मुझे इतना अच्छा लगा कि अपनापन बहुत लगा, टाइम पास करूँ तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि पूरा स्टाफ इतना हंसी मजाक वाला है, इतनी हंसी मजाक हुई है। और ये क्या नाम इनका,
सभा तो इतनी बाबा हंसमुख की हमारे बर्थडे के टाइम था। सभा लोग तो मैं पहले से वीडियो पे देखती हूँ, फॉलो करती हूँ उनके पूरे घर वालों को, तो बहुत अच्छा लगा था। पूरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है और सूर्या बहुत बहुत थैंक यू चमकाने के लिए मुझे। और हाँ, कलर भी माशाल्लाह देखो कितना प्यारा हुआ, कलर भी आप लोग देख सकते हैं। मेन रोड पे मेन बात होती है ज्यादा घूमना फिरना नहीं, सीधा सीधा या रिक्शे से भी आओ टाइम खराब नहीं, बड़ी गाड़ी लेके भी आओ तो जैसे ट्रॉफिक ये है, पार्किंग की तकलीफ है कुछ नहीं, अपना मेन रोड पे गाड़ी लगा दो, सामने मॉल में आ जाओ। तो आपके पार्लर का नाम भी देख सकते हो, मैंने पहले भी डाल दी नाम करके, और मैं अपने आईडी पे भी डाल दूंगी और सूर्या का नंबर भी डालूंगी। आप लोग कॉन्टेक्ट करो, फॉलो करो फटाफट सूर्या की तरह। और हाँ, नैन एक्सटेंशन होता है और मेकअप का भी आप ना क्लासेस भी चलते हैं, मेकअप का क्लासेस, क्योंकि बहुत अच्छे फॉलोअर थे मेरे, नीचे पूरा मेकअप का सीख रहे थे और माशाल्लाह एक नंबर काम होता है, हर काम सूर्या करती है। मेकअप का क्लास लेती है, नेल आर्ट के इतने प्यारे प्यारे नेल आर्ट के कलर है क्योंकि मैं तो करती हूँ हर एक चीज, मतलब ऐसा नहीं क्या कोई चीज नहीं है इधर, पार्लर जैसा होना चाहिए सैलून में पूरी चीजें इधर है, मतलब कम्प्लीट होता है। आपको जरूर आइए विजिट करिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और इनका आइडिया मेरे साथ में टैग हो जाए, मेरे साथ टैग होंगे मगर इनका मोबाइल नंबर डालूंगी, फटाफट कॉन्टेक्ट करो फटाफट आओ। मेरे जैसा बनना है तो हमेशा जवान दिखते रहेंगे, नारी बन गई जवान दिखते रहती है, लोग बोलते रहे धीरे को बैठती नहीं क्या करें हम लोग, जैसे भी खूबसूरत दिखते हैं ना वैसा उससे ज्यादा स्किन वगैरह खूबसूरत है। बस आप दुआ भी है तुम लोग जैसी बेटी लोगों की, सबकी इतनी सारी बेटी लोगों को दुआ भी है ना करके। और ये खाला खाला बोलते, खाला नाम मुझे ना बहुत बड़ा लग रहा था, तो मैंने बोले भाई खाला मतलब सब लोग माँ बोलते, तू भी माँ बोला था ना, हाँ आगे आगे तो मेरे जज्बा खाला ही बोल रही है, तो मैंने कहा ये माँ बोल रही, माँ बोल रही है ऐसा कुछ नहीं, मैंने इसको बोली तो मेरे को खाला नहीं बोला, खाला बहुत बड़ा लगता है, माँ बोल लेगा माँ बोल लेगा भाई, और आदत का प्रैक्टिस ले लेना चलो यार। थोड़ा इन लोग का भी लोग पीछे, हमारे स्टाफ भी बहुत स्टाफ नहीं है, ये हमारे दोस्त लोग भी सब, ये भी सब बहुत अच्छे आ गए, सब बोल रहे एक दो तो चले गए बेचारे, एक तो जिम जाने का था और एक तो बेचारे उठा था, अच्छा बोला था नहीं जिम नहीं, वो सोनिया थी ना, सोनी वो भी बहुत अच्छी थी, और सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा लगा सबके साथ हाँ, फिर मिलते हैं। और ये तकलीफ करने की जरूरत थी, आपने भी इतने तोहफे लाए, मैंने तो सोची थी कि नहीं कपड़ा लाए और बहुत सी चीजें मैंने खोली भी नहीं, अभी मैं बच्चों के लिए लेके आई, मेरे घर में पहली बार आई तो फिर गिफ्ट लेके आई, उस दिन बहुत भाई गए मैं आई थी मई तो। और ये सोनिया ने कुछ दिए, ये लक्की चैम्स है मेरे लिए और ये लक्की रहता है, तो ये मैं इंशाल्लाह ताला ये रखूंगी मेरे पास करके, और सोने ने अपने पार्लर पे भी रखी है, तो एकदम प्यार से मैं संभाल के रखूंगी, लकड़ी चीज मुझे बहुत पसंद है और ये सब देने की जरूरत नहीं थी, बहुत प्यार है उस संभाल के मैं रखूंगी। और ये भी ये देखो एक ड्राई फ्रूट, कमजोरी बहुत आ गई है ना है ना, ड्राई फ्रूट जरूरी है ना बेटा क्या नाम है ध्रुव, ध्रुव थोड़ा दुबला हो गया उससे जुलम करे हम लोग बताना करके माशाल्लाह बहुत थैंक यू जजाक अल्लाह, अल्लाह तेरा पार्लर ऐसी चला है हमेशा तो सब